हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ उत्तराखंड से सीधे जुड़ रहे हैं गुरुदीप जी। तो गुरुदीप जी कम से कम 2016 से फैंटेसी खेल रहे हैं और आज वो हमारे साथ अपना फैंटेसी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो गुरुदीप जी, हमारे सभी यूजर्स को बताइए कि आपकी अब तक की फैंटेसी जर्नी कैसी रही। अब तक की फैंटेसी जर्नी इतनी खास नहीं थी। अच्छा, पहले वही इंट्री वाला सीन था, लेकिन ये जब से ज्वाइन हुआ ना, तब से कुछ वो इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। क्या ज्वाइन करके? ये परफेक्ट लाइन सब। अच्छा, परफेक्ट लाइन अप आप यूज करने के बाद आपका मतलब बेटर हो गया है गेम। हाँ, अभी 5 बार में ग्रांड लीग जीतते हुए जीतते बचा हूँ। जीतते बचे हैं? हाँ, 5 यानी 10 दिन हुए, उसमें से 5 बार जीतते जीतते बचा हूँ। ओके, मतलब टीम काफी काम आ रही है आपके और आप काफी अच्छा है आपके लिए, राइट? हाँ, यस मैम। जी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के गुरुदीप जी। बाकी आप हमें बताइए कि परफेक्ट लाइनअप से जुड़ने के बाद आपकी मतलब टीम बनाने में कैसे मतलब क्या चेंजेस आए, कैसे मदद करा परफेक्ट लाइनअप आपकी? एक तो इसमें पावर प्लेयर वाला फीचर है, वो अमेजिंग है। ओके उससे पता लग जाता है। और एक क्लीन शीट वाला, जी जी चीट शीट। हाँ क्लीन शीट है, जो उससे हाँ पता हाँ लग जाता है प्लेयर के बारे में, कौन फर्स्ट इनिंग में चलेगा, कौन सेकंड इनिंग में चलेगा। एंड और इसके एक अलावा इसके अलावा एक अमेजिंग फीचर था जो आपने बंद कर दिया है। जी, अच्छा टीम लाइनअप की बात कर रहे हैं आप। हाँ, टीम लाइनअप के बाद जो 5 टीमें जो आती थी एसएल की आती थी, और 11 टीमें जीएल की आती थी, जी जी वो था सबसे बेस्ट फीचर, वो आपने बंद कर ओके दिया। सर, अभी क्या है, आप अभी भी आपको टीम में मिलती है, बस आपको मैच सिलेक्ट करके कस्टम टीम बिल्डर पे आप जाएंगे, तो जब आप जनरेट टीम करेंगे ना तो भी आपको ऑटोमेटेड टीम्स ही मिलेंगी। सेम ही फीचर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी हाँ, आपको थोड़ा सा अगर जैसे आप अपनी और बेटर टीम बना सकते हैं हमारे बाकी फीचर्स को यूज करके। वैसे अभी हमने एक न्यू फीचर ऐड किया है, बैटिंग ऑर्डर, आपने देखा होगा, वो कैसा लगा हाँ, आपको? बैटिंग ऑर्डर वो भी सही लगा मैम। मैं बैटिंग ऑर्डर देखे बिना ही बना लेता हूँ वैसे, वो पावर प्लेयर अच्छा और क्लीन स्वीट देख के ही। ओके, पावर रैंकिंग बेसिकली, राइट? हाँ, पावर प्लेयर वाला जो होता है, जी पावर जी जी रैंकिंग। हाँ, ओके सो आप हमें एक बार बताएंगे कि आप अपनी टीम बनाते कैसे हैं, बेसिकली क्या सबसे पहले कैसे नोटिस करते हैं, चीट शीट में क्या मैं देखते नोटिस करता हैं? हूँ जी बैटिंग के हिसाब से करता हूँ, बैटिंग और बॉलिंग के हिसाब से करता हूँ। पहले तो पिच रिपोर्ट देखता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले पिच रिपोर्ट। जी हाँ, उसके बाद देखता हूँ कौन फर्स्ट इनिंग में चलता है, कौन चेजिंग करने में चलता है। ओके, फिर उसके बाद फिर अपनी वो टीम बिल्ड करता हूँ मैं उसके हिसाब से। जी फिर प्लेयर्स देखते होंगे आप बेसिकली कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इसमें हमारे इसमें एक रीसेंट फॉर्म आपको वो दिखता है एंड ग्राफ के थ्रू आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं एक प्लेयर की, लास्ट 5 मैच की, वो आप देखते हैं? हाँ, वो भी देखता हूँ ना, वो ही तो है अमेजिंग फीचर। जी, ओके, ग्राफ्स, राइट? उसमें पता लग जाता है ना कौन फर्स्ट इनिंग में चलता है, कौन चेज करने में बेस्ट है, ओके उसी जी में तो पता लगता है सब। ओके सो ये सारे फीचर्स की बात होगी, लेकिन आपका सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है परफेक्ट लाइनअप का? सबसे वो तो बंद कर दिया मैम आपने, जो अच्छा सबसे ओके, फेवरेट तो फीचर था वो सबसे बंद कर फेवरेट दिया आपका आपने। वही था हाँ, उसमें जी। कुछ नहीं करना था, वहां से टीम लो, बस इतना ही टाइम मिलता, 24 मिनट का टाइम मिलता है। ओके उसके बाद वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट करते रहते, बनाते रहते थे बस। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। सो सर, आप हमारे जो कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो नए हैं जिन्हें फैंटेसी अभी ज्यादा आता नहीं है खेलना, सो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? उनको टिप देना चाहूंगा मैं, यहां से अपना बेटर कर सकते हैं वो। जैसे यहाँ पे हर प्लेयर की हिस्ट्री होगी लास्ट 5 मैच की, और कई जी बार नया मैच आता उनके बारे, प्लेयर के बारे में कहीं भी साइटों पे कोई भी डेटा नहीं होता है, इस ओके परफेक्ट लाइनअप को छोड़ के। हाँ, अच्छा जी, मतलब सारा डेटा एक जगह अगर आपको मिल जाएगा परफेक्ट लाइनअप पर, ओके उसमें पता लग जाता है उसका। तो बेसिकली आप हमारे यूजर्स को कहना चाहते हैं कि आप परफेक्ट लाइनअप ज्वाइन करें ताकि आप यहाँ से हाँ, अच्छी टीम बना सकें। यस मैम, और जी हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाकी हमें आपसे एक और चीज पूछनी है कि अभी जैसे आपने बताया कि आपकी फैंटेसी जर्नी पहले काफी मतलब पहले तो आपको इतना मजा नहीं आता था, पर परफेक्ट लाइनअप ज्वाइन करने के बाद आप बेटर टीम बनाने लगे और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ गया फैंटेसी में, राइट? यस मैम।
जी, सो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, कोई ऐसी टिप या कोई सजेशन जो हमारे ऐप में होना चाहिए फैंटेसी यस होना चाहिए जी, बताइए। सबसे पहले तो इसका इंटरफेस चेंज होना चाहिए, इंटरफेस ओके, क्योंकि इसका इंटरफेस अलग है, कई बार प्लेयर समझ में नहीं आते हैं, यहाँ कुछ और नाम होता है वहाँ कुछ और नाम होता है। अच्छा जी ओके, और कोई? और एक वो पहले वाला फीचर था जो टीम बनी बनाई आती थी जी, 5GL वाली और वो SL वाली 11, वो दोबारा से शुरू कर दिया जाए। ओके ओके, बिल्कुल, हम हमारी टीम को, ऐसे हमें यूजर्स से मिल रहे हैं रिव्यूज, तो हम हमारी टीम को ये सजेशन देंगे और जल्दी आपको अपडेट भी देंगे। उन्हीं को यूज करके मैं 5 दिन में 5 बार GL यूज वो बचा हूँ मैम जीतने से। ओके बिल्कुल बिल्कुल एक सर, बार तो आपकी एक बार तो 2 रैंक आ गई, एक बार 42 आ गई, एक बार 63 आ गई। ओ वाओ ग्रेट, ठीक है मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच गुरुदीप जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी फैंटेसी जर्नी ऐसे ही और एक्साइटिंग रहे और आप अब GL जीतते जीतते बचे नहीं, बिल्कुल जीते। ठीक है जी, वेलकम, गुड बाय।